देखिए, एक शेप से दूसरा शेप हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब मल्टीपल शेप्स को हमने जमा किया और उसे एक शेप निकाल लिया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक शेप बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कस्टम शेप किया और कस्टम शेप करके मैंने यहाँ से एक शेप लिया जो भी मैं बनाना चाह रहा था। लेट सपोज वो शेप था ये वाला, ठीक है। अब ये एक शेप ले लिया, इसको क्लिक किया, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म किया और इसको इस तरह से सीधा कर दिया मैंने। ओके, तो ये एक शेप आ गया, निकल गया। अब मुझे इसमें से दूसरा शेप कैसे निकालता हूं, देखिएगा। ये अभी शेप टूल है, इसको मैंने कंट्रोल जे किया, इस लेयर की डुप्लीकेट बन गई और इसमें से एक और लेयर मैंने इस तरह से नीचे रख दी, इसको उठा के, ठीक है। और फिर एक और कंट्रोल जे किया, एक और डुप्लीकेट बन गई और इसकी एक और लेयर उठा के नीचे रख दी। अब ये तीनों अलग अलग हो गई है, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं इसमें एक ब्लू कलर दे देता हूँ और दूसरी वाली जो है उसके ऊपर मैं जो है एक ग्रीन कलर दे देता हूँ और तीसरे वाले पर मैं जो है एक रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये तीनों कलर्स इक्वल इक्वल निकालना चाहता हूँ, तो ये ब्लू वाले का भी एक और कंट्रोल जे देंगे और उसमें से ये भी एक निकाल लेता हूँ, ठीक है। इतना ही निकलेगा जितना ऊपर वाला था। अब इस पर एक अलग कलर दे देता हूँ, सपोज इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, तो तीनों कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। मुझे तीनों का ये हिस्सा चाहिए, बाकी तो पूरा नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, पहले मैं इन सारी लेयर्स को रेस्टराइज करूंगा। तो जैसे ही करूंगा ये पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएंगे। रेस्टराइज रेस्टराइज रेस्टराइज, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके एक साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल इसको रेस्टराइज कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, वेरी सिंपल, मुझे सारी लेयर्स को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ, और लेयर्स में जाके यहाँ से इसको कर देना है मर्ज लेयर्स, कंट्रोल ई दबा के। जैसे ही क्लिक करेंगे लेयर हो जाएगा। उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल लूंगा और उसके बाद मैं इस पर अप्लाई करूंगा, ये सिलेक्ट हो गया। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, तो ये देखिए इसमें से एक शेप अलग से निकल के आ गया। अब ये एक अलग शेप बन गया और इस तरह से आप इस तरह से कई शेप्स को मिला के एक नया शेप उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर मिसाल के तौर पे और भी कुछ हिस्सा मुझे एक्सट्रैक्ट कराना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर भी इसके कुछ और मामला को भी देना है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, दोबारा से एक शेप लेता हूँ। तो ये एक शेप बनाया, कंट्रोल डी किया और इस शेप को मैंने इस तरह से रखा इसके ऊपर। और अब मैं इसको इस तरह से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे, ठीक है। तो क्लिक किया, शेप का कलर बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। और फिर इसके साथ मैंने इसको रेस्टराइज किया और फिर इसके साथ शिफ्ट के साथ क्या किया, मैंने इसको लेयर में जाके मर्ज लेयर कर दिया। उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल लिया, इस पर क्लिक किया और क्या कर दिया, डिलीट। तो डिलीट करने के बाद देखेंगे इसमें से इस तरह से निकल गया और ये शेप मेरा इस तरह कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप मुख्तलिफ शेप्स को रख के एक नया शेप प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो जैसे आप चाहें, इस तरह का शेप चाहें बना सकते हैं। ये एक टेक्निक है इस तरह से काम करने की, कि शेप से एक दूसरा शेप कैसे प्रोड्यूस किया जाए। बस इसमें थोड़ा सा आपने अपने दिमाग से काम लेना है और कौन सा शेप निकालना है वो आप निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है।